देख लीजिए गैस ऐसे है। क्या दारू है दीदी? मोवा दारू ना। कितना है माँ? 20 रुपया। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। सो गाइस, मैंने पिछली बार बीजापुर जो बाज़ार है ना, वहाँ का एक्सप्लोर कराया था, पूरा बाज़ार आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को नेमेड का बाज़ार दिखाने आया हूँ। तो देख लीजिए, काफ़ी भीड़ भाड़ लग रहा है। तो अभी मैं पहुँचा हूँ नेमेड के बाज़ार में। हम लोग हाईवे रोड में आ गए सर। तो अभी हम लोग घुसेंगे बाज़ार में, तो दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो वीडियो के अंत तक के ज़रूर बने रहिएगा। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार के अंदर। यह है यहाँ का हाईवे रोड। तो अभी और बर्तन मन देख लीजिए गाइस, यहाँ पर एक से एक लगा हुआ है। तो इधर चप्पल की दुकान है और इधर है मछली। तो भैया यहाँ पर बेच रहे हैं मछली मान काट काट के। तो बहुत बड़ा मछली है, ताज़ा है ना भैया एकदम? क्या मछली है ये? मोंगरी। बहुत लोग लेते हैं भैया ना। और इधर है सूखा मछली, एकदम पूरा देसी माल है। आप लोगों को देख सकते हो एकदम। कितना है भैया ये? 100 रुपया ना। देख लीजिए, आप सब्जी में डालोगे इतना स्वादिष्ट आएगा, है ना भैया? पूरा सूखा है। कहाँ से लेके आते हो? थारलागुड़ा। और उधर है छोटा झींगा मछली, इधर है मछली जाल। ये मछली जाल है। कितना मीटर होता है भैया ये? कितना कितना मीटर वाला है? 300 मीटर है। छोटा मछली पकड़ने का जाल है ये। तो और नीचे भी बहुत सारा झाल में लगा हुआ है, बहुत लंबा लंबा पूरा मनी। तो देख लीजिए बस, ये है धान रखने के लिए और भी कुछ दूसरा फसल रखने के लिए। इतना बड़ा बड़ा बोरा मान है, तो हम लोग यहाँ आसानी से आ जाएंगे। तो बड़ा बोरा नहीं है, यहाँ पर धान ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। इधर भी बहुत सारा बोरा मन लगा हुआ है। तो भैया यहाँ पर बेच रहे हैं। तो बड़ा वाला बोरी कितना भैया? ये बड़ा वाला 300 रुपये का। कितना पकड़ता है वो? 25-30। और इधर आप लोगों को भज्जा देखने को मिलेगा, एक से एक भज्जा मैं। और यहाँ पर भैया एकदम गर्म है ना भैया? पूरा गर्म भज्जा है। अब देसी करेला है, छोटा करेला काफ़ी अच्छा रहता है स्वाद में। और इधर है कुमड़ा, यह है सेमी, यह है लौकी, इधर है भट्टा और यह है भाजी। हम लोग बहुत खाते हैं भाजी, ऐसा भाजी तो बहुत ज़्यादा मिलता है इधर। और जैसे यहाँ पर देख लीजिए, औजार मन आप लोगों को एक से एक मिलेगा औजार। बंडा इधर है, कुल्हाड़ी, और आप लोगों को एक से एक बंडा इधर पर देखने को मिलेगा, हुआ है रापा। यह चक्कू आपको सब्जी वगैरह काटने में बहुत ही उपयोग होता है। इधर भी बहुत सारा लगा हुआ है औजार मन, जो लकड़ी पाड़ने के लिए उपयोग होता है और खेती किसानी में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है अपने जैसे वालों के लिए। तो यहाँ पर आंटी बेच रही है। और यहाँ का बाज़ार काफ़ी बड़ा लगता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर भीड़ भाड़ लग रहे हैं, कपड़ा लत्ता ले रहे हैं लोग। अंदर अंदर गांव से आ चुके हैं। तो वैसे अभी हम लोग यहाँ पर मास्क ले हैं, क्योंकि यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, इससे बचने के लिए हम लोग मास्क ले लिए हैं यहाँ से। 20 रुपये का मास्क है ये। और गैस यहाँ पर आप पटापटा नोट मन यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो, है ना भैया? जैसे 10 रुपया पड़ जाता है तो उसका 50% देते हो ना? हाँ हाँ, देख लीजिए यहाँ पर ये पूरा पटापटा है ना, तो इसका आप आधा आधा परसेंट करके दे दिया पैसा। चलिए, और यहाँ पर देख लीजिए गैस, पूरा सब्जी सामान आधा से ज़्यादा यहाँ पर खुले में आप लोगों को दिख रहा है। टमाटर है इधर, इधर कच्चा मिर्ची लगा हुआ है, इधर लहसुन प्याज है, पूरा खुला खुला में देख ली। कितने का है दीदी? 30 रुपया। देख लीजिए गैस, इधर 30 रुपया है ये सब। और गैस मैंने पिछली बार पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था एक शाम के बारे में शायद, ये यहाँ पर देखने को हम लोग को मिल रहा है। ये है मछली, मछली है ना? हाँ, कितने का है ये? 30 है 20। एक पकड़ के दिखाओ ना, हम लोग को डर लगता है थोड़ा, मतलब पकड़ के दिखाओ हम लोग। देख लीजिए गैस, खाने में क्या फायदा होता है इससे? ये दवाई भी थी बाबू। हाँ, दवाई वाला है। अच्छा, कहाँ से पकड़ के लेके आते हो? कहाँ से लाते हो? खेत में। खेत से? हाँ, पानी रख ली,
अच्छा मतलब खेत में मिलता है नीचे कीचड़ में। हाँ चलो देख लीजिए गैस, ये मछली है और ये बहुत ही लाभदायक होता है, खास करके सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए है और इसमें खून मतलब ब्लड ज़्यादा मिलता है इससे खाने में। और इधर है गैस पूरा आप लोगों को दारू देखने के लिए मिलेगा इधर, तो देख लीजिए यहाँ पर सभी महिला लोग यहाँ बाटल में बेच रहे हैं, तो देख सकते हैं जो भी पीने वाले हैं वो लोग इधर आते हैं, तो मेन बाज़ार वो इधर लगता है, लेकिन जो दारू इधर मिलता है साइड में थोड़ा सा, और जो लोग पीते हैं उनके लिए यहाँ पर कसले में डाल के देते हैं। यहाँ पर आंटी यहाँ पर दे रही है, क्या दारू है दीदी? मोवा दारू ना? अच्छा बहुत अच्छा रहता है पीने में मतलब। तो ये किसी को दिए हो क्या? कितना है गिलास? 20 रुपये। एक बॉटल कितने का आता है? 50 रुपये। यहाँ पर आंटी लिए है और ये अभी ले जाके पीएंगे, तो बहुत बिंदा सा है इधर, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं अभी और इधर कितना ज़्यादा है। और तो बस यहाँ पर देख लीजिए इधर सेल्फी है ये, हाँ इधर मिल रहा है सेल्फी। सेल्फी ये भी जो पेड़ है ना वही पेय पदार्थ होता है, नशा के लिए उपयोग करते हैं। हेलो, तो यहाँ पर माँ दे रही है एक गिलास है। कितना है गिलास? कसेला कितना है माँ? 20 रुपया। हाँ 20 रुपया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर बेच रहे हैं, डब्बा पूरा खत्म होगा लगता है, डब्बा भर लेके आए थे। और गैस अभी आप लोग दूसरा साइड आ गए, यहाँ पर मिल रहा है हंडिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये है हंडिया, जो चावल रहता है ना चावल से बनाते हैं ना, जो चावल रहता है ना उसको सड़ा के बनाते हैं। यहाँ पर हंटी लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, आप लोग देख लीजिए अलग अलग गुंडी में रखा हुआ है। कितने का है, कैसा देते हो कसेला? 10 रुपया। और यहाँ पर देख लीजिए माँ पीरी है, इसका जो कलर है ना वाइट वाइट होता है, ये भी नशे के लिए उपयोग करते हैं, मतलब नशीला पदार्थ है वो, पेय पदार्थ है, काफ़ी अच्छा रहता है, कभी पी के देख लीजिए। तो देख लीजिए इधर भी फिरे हैं, तो अभी हम लोग और आगे जाएंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दारू दिख रहा है, पूरा बाटल में बेच रहे हैं, 50 रुपया बाटल है। मैंने पिछली वीडियो में बीजापुर बाज़ार का एक्सप्लोर कराया था, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा है यहाँ का बाज़ार। और गैस इधर चकना दारू इधर तो पी रहे हैं, लेकिन उसके लिए चकना इधर स्पेशल है, शायद ये मटन है, मटन है ना दीदी? क्या देसी है क्या? देसी मटन है ये, पूरा आपको चखना के लिए काम में आएगा। और इसके जस्ट सामने में हैं लोग दारू बेच रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो बस यहाँ पर मिल रहा है पुटू, आप लोग देख लीजिए, ये है सूखा वाला पुटू, बांस में उगता है ये पुटू, जो तब बहुत ताज़ा रहता है, लेकिन इनको इन्हें लोग यहाँ पर सूखा के बेच रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं फोटो, आप लोग देख सकते हो ये ऐसा है। बस यहाँ पर गुलेल पक्षी मन को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है, देख लीजिए छोटा बड़ा गुलेल मन है, ये पड़का का रबड़ है, एक डंडा बनाते हैं और उसमें बांध के मारते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए जो कपड़ा लत्ता ले रहे हैं ना, तो उसके मजबूती के लिए सिलाई के लिए और ज़्यादा सिलाई कर रहे हैं, यहाँ पर डबल सिल रही हूँ बोले तो दोबारा पटना जाए बोल के, देख सकते हैं। तो ऐसा भी हम लोग जा रहे हैं हंडी, जिधर मिलता है हंडी, जिसमें हमारे खासकर आदिवासी लोग फेक पदार्थ रखते हैं, पीने का चीज़ों मन रखते हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा हंडी का बाजार है, इधर पूरा हंडी मन लगा हुआ है, बड़े बड़े हंडी मन, तो देख लीजिए ऐसा है हंडी में, बड़ा छोटा हंडी है। तो इधर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ले रहे हैं, अभी भी हमारे घरों में ऐसे बर्तन का उपयोग करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, तो पूरे मिट्टी के बर्तन बना हुआ है, जिस मिट्टी से बनाते हैं वो बहुत ही मजबूत रहता है ये मिट्टी। तो इधर पूरा हाटो मन लगा हुआ है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह चलता है हाटो, पूरा हाटो मन लग चुका है इधर। मोवा है देख लीजिए, सूखा वाला मोवा काफ़ी अच्छा है, ताज़ा है और इसे दारू बनाया जाता है। और उधर दाम जो लोग ग्रामीण लोग मतलब अंदर अंदर गांव से आते हैं, तो सब्जी सामान के लिए कुछ लेके आते हैं और बेचते हैं, और जो भी पैसा मिलता है उससे ये लोग सब्जी सामान कपड़ा लत्ता खरीद लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये चिरोटा। चिरोटा क्या दाम है इसका? दाम क्या है इसका? दाम 15 रुपया कीजिए दोस्तों, देख लीजिए। तो गैस आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।